सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने जन्मदिन से पहले जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार की भूमिका निभाई। वाड्रा अपने जन्मदिन से पहले सप्ताह भर लंगर लगाने का निर्णय लिया। वहीं अब वाड्रा अलग अलग जगहों पर लंगर आयोजित कर रहे हैं। वाड्रा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। वाड्रा ने यह प्रण किया, इस बार जन्मदिन को खास की तरह नहीं बल्कि आम लोगों की तरह मनाया जाए। इसलिए वाड्रा ने पूरे सप्ताह भर कभी हनुमान मंदिर, तो कभी साईं बाबा मंदिर, तो कभी अपने घर के बाहर, तो कभी दिव्यांग बच्चों के साथ उनके हॉस्टल में जाकर उनके साथ अपना जन्मदिन मनाया। वाड्रा की इस पहल को खास आम के लिए भी एक अच्छी प्रेरणादायक कार्य के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग कल्चर है, हेरिटेज है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें भेदभाव से दूर रहना चाहिए और जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठे चलना चाहिए, एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश में प्रगति होगी और मेरे को लगा कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी देश कोविड से गुजर रहा है और कोविड का नया दौर आने वाला है, बिल्कुल नया वेरियंट होगा, तो मुझे ये लग रहा है कि जितने भी हम अगर इकट्ठे होंगे तभी हम जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम बढ़ जाएंगे ऐसे भेद वगैरह में देश खराब ही हो सकता है, टूट सकता है ऐसे, तो मतलब कि हमें एकजुट होना चाहिए और भेदभाव से दूर रहना चाहिए। आज जिस वक्त हर तरफ परेशानियों का अंबार दिखता है, यहाँ एक दूसरे पर छींटाकसी हो रही है, उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह हिंदुस्तान जो है वह फूलों का गुलदस्ता है। यह फूल का अपना अलग महत्व है और सबके साथ होने की जरूरत है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सबको साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और शांति और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए।